हमारे सामने इस वक्त हैं पवन जी अग्रवाल। एक चीज़ आपने जैसे मुंबई डब्बा वाला एजुकेशन सेंटर आपने उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस सेंटर के माध्यम से आप उनके बीच किस तरह का काम कर पा रहे हैं? रवि जी, हुआ क्या, जब मैंने 9 साल रिसर्च किया जी, तो मुझे पता चला कि डब्बे वाले के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, या तो माहौल या सपोर्ट या पैसा, जो भी कारण है। और उसी दौरान मैंने, बिकॉज मैं एक शिक्षा प्रेमी हूँ, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन बच्चों के लिए हम शिक्षा के दरवाजे खुले करें जी। तो पिछले 9 सालों से ये मुंबई डब्बावाला एजुकेशन सेंटर के माध्यम से जो डब्बे वाले बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। अब सवाल आता है कि पैसा कहाँ से आता है? सर, जब मैं लेक्चर लेता हूँ उसका पैसा मिलता है, हम उस पैसे को वहाँ खर्च करते हैं। इतना ही नहीं रवि जी, इन डब्बे वालों के साथ साथ दूसरे बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं। मतलब सर, निमित्त एक होता है लेकिन बेनिफिट कई औरों को होता है। तो आप क्या है कि छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं इन लोगों के बीच, या किस तरह से? यस सर, मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, पनवेल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर स्कूल चला रहा हूँ। और स्कूल में KG to PG और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है, दूर शिक्षा माध्यम जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ बच्चे अर्न एंड लर्न, कमाए भी और खर्च भी करें और पढ़ाई भी करें, ताकि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना निर्माण हो। और यही कारण है कि बच्चे पढ़ भी अच्छी तरह से। अच्छा, ये कमलाबाई एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के भी आप प्रेसिडेंट हैं जी, तो हाँ। ये इसमें किस ढंग से इन्वॉल्व है, ये ट्रस्ट की क्या भूमिका है? सर, ये ट्रस्ट का एक मिशन है कि एक एजुकेशन टू ऑल, ये हमने सर स्टार्ट की थी 1997 में, और उसका एक मिशन था, एक ये माध्यम था, जरिया था ये, कि उन पिछड़े इलाकों में स्कूल का निर्माण हो मुंबई के इर्द गिर्द, जहाँ पर स्लम एरिया हो, जहाँ पर सुविधा ना हो। तो सर, हमने उस जमाने से, उन सालों से हमने शिक्षा का कार्य शुरू किया जी। और रवि जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बोलने के लिए कि कम से कम 5,000 बच्चे इस ट्रस्ट के अंडर में स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फिर आप ये AGI के साथ भी जुड़े हुए हैं, अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इन सारी चीज़ों के बीच आप कैसे तालमेल बैठाते हैं? सर, अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट निर्माण क्यों हुआ? स्कूल के साथ साथ हमें ये लगा कि हमने बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन देना चाहिए, मे बी मैनेजमेंट, मे बी कंप्यूटर, तो इसके लिए हमने इसका निर्माण किया। और उसमें हमने क्या किया, अलग अलग यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन लेके हम उनको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन देते हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद अलग अलग कंपनी से बात करके इनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, और वही माध्यम है अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का। अच्छा, तो ये मुंबई डब्बा वाला जो है, इसमें और आप किस किस तरह से चीज़ों में, समय के अनुसार कई चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोड बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं, लाइफ स्टाइल बदल रही है, तो और आप मैनेजमेंट गुरु भी हैं, तो ये जो मैनेजमेंट का स्किल्ड है, भले ही उनका एक ट्रेडिशनल ढंग से वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो किस तरह से जो मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं, जो स्किल्ड हैं, उसके माध्यम से आप इन लोगों की ज़िंदगी को या इन लोगों के काम काज को और थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास करें? बहुत सही है सर। अब क्या हो रहा है, आज डब्बा वाला केवल डब्बा देने तक सीमित नहीं है सर, ये सुबह सुबह 6:30 से 7:30 डब्बा वाला काम के पहले जूस की बॉटल डिलीवर कर रहा है। अच्छा, आपने सुना होगा पिछले 6 महीने पहले फ्लिपकार्ट, एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कंपनी है जी, इन्होंने डब्बे वाले से टाइप किया, मतलब फ्लिपकार्ट का सामान डब्बे वाले शाम को डिब्बे का काम खत्म होने के बाद फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट डिलीवर करता है। सर, इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले KFC आई जी, KFC इनसे टाइप कर रही है ताकि वो डिलीवर करें। सर, एक ब्रेड की कंपनी है, वो बोलती है जो फूड मार्केट्स है मुंबई में, फूड मॉल है, वो ब्रेड का पैकेट डिलीवर आप कीजिए। मतलब सर, ऐसे कई काम हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आपने बोला छा गई है, पूरी दुनिया में नाम है, भारत में नाम है, विश्व में नाम है, तो लोगों को ये आत्मविश्वास है कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट डब्बे वाले बेहतरीन और बगैर गलती के कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि किसी भी काम में ये लोग और आगे आए ताकि इनका इनकम बढ़े, ये प्रयास है। नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है।
अच्छा, ये इन लोगों का जो पूरा सेटअप है, इनका अपना एसोसिएशन होगा, इनके अपनी मीटिंग वगैरह होती होगी, तो वो सेटअप ये लोग किस ढंग से मेंटेन करते हैं ताकि इस चैन में, कई बार तो ये भी कोशिश की होगी कि कुछ अलग अलग ग्रुप भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, कुछ और लोगों ने भी अपनी तरफ से पहल की होगी सप्लाई करने की, और इस तरह की जब लगातार कोशिश होती है और कोई सफलता पाता है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बदनाम करने की या तोड़ने की भी कोशिश होती है, तो किस ढंग से आप लोग इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को? बिल्कुल, ये कड़वा सच है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो उसको तोड़ने की कोशिश शायद होती है, लेकिन सर एक तो ये अपने आप में बहुत संगठित है और संगठन इनका बहुत बड़ी ताकत है जी। ये आपने सुना होगा ना, तो ये कभी पॉलिटिकल पार्टी को अंदर आने दिए, ना कभी किसी बाहर वाले अंदर को आने दिए, तो इनकी ट्रस्ट बन के आज तक रही है, कभी ये यूनियन नहीं किए इन्होंने, इसलिए 125 साल में कभी एक दिन का स्ट्राइक नहीं हुआ, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। दूसरा, इनके 6 अपने खुद के ऑफिसेज हैं मुंबई में, मुलुंड, घाटकोपर, दादर, ग्रैंड रोड, चेंबूर और अंधेरी, ऐसे 6 जगह ऑफिसेज हैं, तो ये लोग आपस में वहीं मिलते हैं। अगली बात सर, हर संडे को ये अपने अपने इलाके में आधा दिन भजन कीर्तन करते हैं परिवार के साथ, एक साथ मिलते हैं और भावना अच्छी होती है। तीसरी बात, इनके अपने मुकादम्स हैं, मुकादम माने लीडर, ग्रुप लीडर, 10-20 तो डब्बे वाले ग्रुप, वो मुकादम ये 20 लोगों को बांध के रखता है, सारे उसूल समझाता है। सर ये निरंतर काम होता है और वो निरंतर काम होने से कभी भी बाहर की शक्ति, अंदर की शक्ति इनको टूटने से रोकती है सर, कभी इनको टूट नहीं दी, इसलिए शायद वो आज तक अपने काम में माहिर है। क्योंकि स्वाभाविक है, इतने बड़े लोगों का चयन है, इतने सारे लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिल्कुल, और बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के और बिना इन सारी चीज़ों के चलना, नहीं तो आजकल तो ये है कि जहाँ भीड़ दिखी कोई ना कोई बैनर टांगने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसा कभी इनके बारे में ऐसा नहीं हुआ, नहीं इन्होंने कभी, इसका कारण है वही चाहते हैं, यही हमारी ताकत है और ये हमारा जुनून है। तो इस तरह का प्रयोग और शहर में बढ़ाने के लिए या करने के लिए इस तरह की कोई योजना है क्या? कैसा है रवि जी, आप देखेंगे मुंबई महानगरी अकेला ऐसा शहर है हमारे भारत में कि जो लोकल ट्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक निर्माण उसका, वो सर बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब 70 किलोमीटर हमारी मुंबई की लोकल ट्रेन सीधी चलती है, स्ट्रेट चलती है, बाकी शहरों में ऐसा नहीं है, तो कवरेज बढ़ा लेती है लोकल ट्रेन। दूसरा, इतनी भीड़ और कहीं पर नहीं है। तीसरा, मुंबई अपने आप में, और ये कोलकाता बोलेंगे कोलकाता क्यों नहीं सर, इनका लैंग्वेज, इनका कल्चर, इनका नेचर शायद सूट भी नहीं करेगा, तो ये लोग बाहर जाके काम भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने आप में खुश है, मायानगरी मुंबई है, बोलते ना आपने कहा था हमची मुंबई, ये बहुत खुश है और ये चाहते भी ये है कि हम खुश रहे। नहीं वो लोग नहीं, दूसरे प्रोफेशनल, दूसरे लोकल लोग इस तरह की पार, क्योंकि देखिए अब जैसे गुवाहाटी जैसे शहरों में, आज से 10 साल पहले गुवाहाटी में वो स्थिति नहीं थी, लेकिन अब गुवाहाटी भी इतनी बड़ी हो रही है और इतनी व्यस्तता लोगों की है कि लोग घर का खाना नहीं खा पा रहे हैं, चाहें या ना चाहें उनको होटल के ढाबे के खाने का पैसे तो ज़्यादा देने ही पड़ रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए हाइजीनिक भी नहीं है, जो घर के खाने का आनंद है वो उनके लिए नहीं है। तो यहाँ भी इस तरह के कभी कभी कुछ प्रयोग, कुछ लोग डिब्बे की सप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग खाने की सप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ज़रूरत धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें फैल रही है और लोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति भी अब सजग हो रहे हैं, अब उनको चाहिए वही चीज़ें जो उनके शरीर के लायक है, शरीर को उतना ही वो खिलाना चाहते हैं। तो आप चूँकि देश विदेश में आप घूमते रहते हैं और इसी मुद्दे पर आप बात करते रहते हैं, तो इस तरह के सवाल निश्चित रूप से आपको पहले भी उठे होंगे। बिल्कुल सही है सर। सर पूरे मतलब कई भारत में कुछ इलाके में नहीं, विदेशों में भी ऐसा पूछा गया कि डिब्बे वाले यदि मान लो लंदन में आते हैं तो क्या करेंगे, मतलब सर वो यहाँ आके काम नहीं करेंगे, वो यहाँ आके आपको ट्रेनिंग दे देंगे। कल मान लो गुवाहाटी में किसको डिब्बे वाले का काम शुरू करना है, तो मैं कहूँगा सर आप शुरू कीजिए, मेरा यकीन मुझे मानना है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि कुछ डिब्बे वाले आके आपको ट्रेनिंग दे पाएंगे, वो खुद काम भले नहीं करें लेकिन आपको ट्रेनिंग जरूर देंगे। आप गुवाहाटी आए, RGS के बच्चों से बात की, यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? सर पहली बार तो मैं गुवाहाटी के लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा
बहुत मीठे लोग हैं आप यहाँ के, मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया। दूसरा, ये जो रॉयल कॉलेज देख रहा हूँ मैं, इनके अध्यक्ष अंसारी साहब साहब सही में मैं उनको देवता बोलना पता नहीं उचित है क्या नहीं, लेकिन इतने अच्छा इंसान है। सर मैं चाहता हूँ रवि साहब, हमारे शिक्षा क्षेत्र में ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, और भी लोग अच्छे होंगे, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन सर ये जो यहाँ जो को माहौल देखा सर, जो अनुशासन खास तौर पे मैंने देखा बच्चों में और शिक्षकों में, सर काबिले तारीफ है। क्योंकि आज मुंबई के डिब्बे वाले शायद बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है अनुशासन। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुंबई के डब्बा वाले पर इतनी लंबी बातचीत की, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, अभी जैसा देखा आपने मुंबई डिब्बा वाले पर पवन जी अग्रवाल से लंबी बातचीत हुई, आपको कहीं ना कहीं इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मैं रविशंकर रवि यहीं विदा लेता हूँ।